बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूली बस पलट गई है। तो आगरा से खबर बता रहे हैं, बस पलटने से बच्चों में चीख पुकार भी मच गई है। तो बच्चों में दहशत मच हुई है और खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चों का रेस्क्यू भी किया है। तो स्कूली बस में 20 से ज्यादा यानी कि 20 से 25 बच्चे सवार होने की बात सामने आ रही है। और श्रीमती श्रीदेवी विद्यापीठ स्कूल भवनपुरा की बस है और कागरौल क्षेत्र के मसेल्ला से जयगारा मार्ग पर ये हादसा हुआ है। बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूली बस पलट गई है और बस पलटने से बच्चों में चीख पुकार भी मची है और बच्चों में दहशत भी बनी हुई है। तो आगरा से खबर बता रहे हैं जहां पर स्कूली बस पलट गई है और बस में 20 से 25 बच्चे सवार थे और बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूली बस पलट गई, जहां पर खेतों में काम कर रहे किसानों ने बच्चों को बचाया है, बस से बाहर निकाला है और बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूली बस पलट गई। बस पलटने से जो स्थानीय लोग थे खेत में जो काम कर रहे थे उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू के दौरान उन्होंने जितने भी बच्चे बस में फंसे थे उन सबको बाहर निकाला है। तो ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया है। आगरा से खबर बता रहे हैं, स्कूली बस में 20 से 25 बच्चे सवार थे और मौके पर ग्रामीण पहुंचे हैं और ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला है। श्रीमती श्रीदेवी विद्यापीठ स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चे श्रीमती श्रीदेवी स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, कागरौल क्षेत्र के मसेल्ला का ये घटना बताया जा रहा है, जहां पर स्कूली बच्चे बस में सवार थे और बस पलट गई है। तो बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया है। अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, स्कूली बस पलटने की ये खबर आ रही है जिसमें से 20 से 25 बच्चे स्कूली बस में सवार थे, क्या कुछ अभी तक आपको अपडेट मिल पा रही है? क्या बच्चों को किसी तरह की क्षति पहुंची है या किसी तरह की कोई जनहानि की खबर आपके पास सामने आ रही है? देखिए, ये पूरा जो मामला है ये आगरा के थाना कागरौल क्षेत्र का मामला है, जहाँ श्रीमती देवी श्रीदेवी विद्यापीठ स्कूल की बच्चे वहाँ जा रहे थे। स्कूल की ये बस थी, अचानक बस जो है पलट जाती है। पलटने के बाद इसमें जो बच्चे सवार थे उनकी संख्या करीब 20 से 25 बताई जा रही है, लेकिन वहाँ जो ग्रामीण थे ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया और इन बच्चों को सकुशल बस को पहले बच्चों को बाहर निकाला गया, फिर जेसीबी की मदद से बस को सीधा करा दिया। फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। मामूली चोटें यहाँ बच्चों की आई हैं, लेकिन एक बात ठीक है कि ये कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन अगर अजय ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिस स्थान पर बस पलटी है उसको हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, क्या कारण रहा है कि बस पलट गई है और इसके साथ ही जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा खेत की तरह लग रहा है कि खेत से गुजर रही थी बस, क्या क्योंकि रास्ता थोड़ा सा छत विच्छत नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात की जाए जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं अलग अलग गांव से आते हैं, अगर रास्ते की हम बात करते हैं तो तमाम विजुअल हमने दिखाए हैं पहले भी कि ग्रामीण इलाकों की हालत आगरा में ठीक नहीं है, सड़कें प्रॉपर यहाँ पर नहीं बनी हुई है। यही कारण है कि हमेशा हादसे का इंतजार यहाँ पर रहता है और हादसे को न्योता यहाँ की सड़कें देती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, इस ओर इनका कहीं ध्यान नहीं जाता है। जब हादसा हो जाता है तब यहाँ पर काम दोबारा से सुचारू रूप से कराने की बात को सोचते हैं। जी, पूरी जानकारी देने के लिए अजेंद्र आपका शुक्रिया। तो ये आगरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूली बस पलट गई है और स्कूली बस में 20 से 25 बच्चे सवार थे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच सीतापुर से खबर आ रही है। सीतापुर से आपको खबर